नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सबके बीच एक ऐसा खबर लाया हूं जिससे आप सबको गर्व महसूस होगा और साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ करने का हौसला भी मिलेगा। आप सबको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय आत्मनिर्भर बनने वाली बात बोले थे, जिसका सबसे बड़ा बढ़ावा इंडिया के डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आया, जिससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स को सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। अब भारत की सुरक्षा सिस्टम और भी पुख्ता एवं मजबूत हो गई है। इसकी खासियत यह है कि अगर इसके नीचे से बारूद विस्फोट या बुलेट चलाया जाता है तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा, जिससे इंडियन आर्मी को दुश्मनों से लड़ने के लिए और अधिक सहयोगी होगा। इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि यह हर तरह के हालात में अच्छा प्रदर्शन दे सके और इसके अंदर जवान सुरक्षित रहें। इंडियन आर्मी को लंबे समय से ऐसे बख्तरबंद गाड़ी की ज़रूरत भी थी जो सुरक्षित होने के साथ साथ मजबूत और तेज़ भी हों। आपको बता दें कि इस बख्तरबंद गाड़ी को ऐसे अत्याधुनिक विधि से बनाया गया है कि इस पर बम और गोलियां चलाई जाएं तो भी इसके अंदर बैठे जवानों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सेना में स्वदेशी बने हथियारों और उपकरणों का उपयोग किया जाए। जैसा कि आप सबने पिछले वरुण ड्रोन वाले वीडियो में देखा होगा कि सरकार कैसे निजी कंपनियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि देश की तीनों सेनाओं के भीतर स्वदेशी हथियार से लैस किया जाना चाहिए। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब बाहरी देशों से हथियार खरीदना कम कर दी है और स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बने रहिए नए अपडेट्स के लिए न्यूज़ जस्टिफाई के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।